चलिए, हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला की तरफ से कहा गया है कि बिजली व्यवस्था को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली कमी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के तहत हरियाणा में अब नहरों में और ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही हरियाणा में पराली आधारित पावर प्लांट भी लगाएंगे। पहले चरण में जींद, कैथल, नरवाना और फतेहाबाद में पराली आधारित प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा यमुनानगर में नया पावर प्लांट लगाने की योजना है। तो नए पावर प्लांट लगाए जाएंगे हरियाणा में, पराली आधारित पावर प्लांट लगाएंगे, ये बिजली मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो बिजली की जो कमी है उसे दूर करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जो अमेरिका जैसे बहुत एडवांस कंट्रीज है, उन्होंने देखा है कि नहरों पे उन्होंने सारी नहरें कवर कर रखी है सोलर प्लेट से। तो हमने ये कराया कि बड़ा डिजाइनदार, जिसमें पटड़ियाँ, पहले लोग पटड़ी पर चलते थे, उसको भी साथ कवर कर रहे हैं और इसे डिजाइन से बढ़िया करके। पहले जो बाकड़ा कैनाल की नहरें हैं, आपका करनाल कैनाल है या ये फतेहाबाद ब्रांच है, इनको हम नरवाना ब्रांच है, इनको कवर करेंगे और उससे हमारा मतलब हम पावर में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। वहीं जेल मंत्री रंजीत सिंह ने दावा किया है कि पंजाब की जेलों से बेहतर व्यवस्थाएं और सुविधा हरियाणा की जेलों में है, वहाँ की स्थिति ज़्यादा अधिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी हरियाणा की जेलों की व्यवस्थाओं की तारीफ कर चुके हैं। उन्हें काफ़ी हरियाणा की जेलों में भी हाई क्रिमिनल कैदी हैं, लेकिन हरियाणा की जेलों की सुरक्षा पंजाब से बेहतर है। उन्होंने रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का दावा करते हुए कहा कि अगले 10 से 20 दिनों तक रोहतक की जेल का काम शुरू हो जाएगा। अभी सेशन में आपके जो वहाँ के लीडर ऑफ दी अपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने हरियाणा की जेलों की तारीफ करी कि बराबर की पेरेंट ठीक है, हमारा दोनों का एक्ट कानून एक है। उसके बाद हरियाणा की जेलों में इतने इतने बड़े अपराधी हैं, कश्मीर के डेट नोट हरियाणा की जेलों में है जो पंजाब में नहीं है, और जितने जहाँ आपका तिहाड़ में जगह नहीं मिलती वो क्योंकि हम दिल्ली के पास हैं, बड़े बिल्डर सारे जो इस तरीके के जब बहुत नामी आदमी वो हरियाणा की जेलों में हैं, पर आज तक भी ये घटना नहीं है। जेल हमारी सबसे बढ़िया है और अब एक जो हम रोहतक में बनाने जा रहे हैं हाई सिक्योरिटी जेल होगी, वो उसमें दूसरों से दीवारें हमारी अलग होंगी। हमने टेंडर कर दिया, जमीन ले ली, एक्वायर काम सब हो रहा है। उसमें 50 तो जैमर लगेंगे, तो कई जेलों में होते ही नहीं जैमर, हमारे 50 जैमर लगेंगे। कोई पाँच चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती, कोई मोबाइल उसमें रख ही नहीं सकता, तुरंत डिलो कर।